हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शंस के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में, फूड प्रोडक्शंस के बारे में, चाहे वो एनिमल रिलेटेड हो चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, कि हमारे जो फूड को हम यूज करते हैं हमारा उसका एनहांसमेंट्स कैसे बेटर तरीके से मोर प्रोडक्टिविटी उसकी की जाए, उसका क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी हो, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इसमें टेक्निक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए हमारा। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारा, जिसमें ब्रीडिंग कराना है हमारा, है ना, और उनकी राइजिंग द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक्स क्या वर्ड होते हैं हमारे? ऐसे पालतू जानवर जिससे हमें दूध, मीट, मिल्क वगैरह सब सारी चीज़ें मिलती हों, जिनसे हमारा, उन्हें हम सबको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। ऐसे जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये इन सबको हम क्या कहते हैं? है ना, उनसे रिलेटेड फूड प्रोडक्ट मिलते हैं हमारा, है ना, तो उन सबको क्या होता है? लाइव स्टॉक्स कहते हैं। यहाँ पे मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन के बाद जितना लाइव स्टॉक्स की बात करते हैं, हमारे पालतू जानवरों की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के 70% एनिमल्स इंडिया और चाइना के अंदर है। पर सोचने की बात यह कि 70% पालतू जानवरों की संख्या होने के बावजूद भी, है ना, लाइव स्टॉक्स होने के बावजूद भी हम केवल इनका पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का मात्र 25% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये बड़ी चिंता सोचने की बात है कि इतना बड़ा लाइव स्टॉक्स होने के बावजूद भी हम वर्ल्ड की प्रोडक्शंस का केवल 25% ही यूज कर पा रहे हैं। यानी हमारे पास ऐसे एनिमल नहीं है जिनसे हाई क्वालिटी की, है ना, प्रोडक्शन हो सके, उनसे क्वालिटी डेवलप की जा सके हमारा इस तरीके की चीज़ों का। तो यही चीज़ में कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके लिए क्या किया, जैसे मिलकर प्रोडक्शंस के लिए क्या किया, डेयरी मैनेजमेंट लाया गया हमारा, है ना, डेयरी मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क, है ना, एंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन के लिए दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना था हमारा। और ऐसे पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या हुआ, इसे क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स को हमें रखना था हमारा, यूज फॉर फूड एंड देयर एग के लिए हमारा। तो हमें ऐसे हमारे बर्ड्स फॉल्स को हमें डालना जिनसे अंडे मिल सके और खाने के लिए उनसे मीट भी मिल सके हमारा। सो दे आर टिपिकली इंक्लूड अ फॉल, जो पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज लेके जाए हमारा, चिकन्स इंक्लूड करते हैं, डक्स को इंक्लूड करते हैं, समटाइम टर्की और गीज को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। द वर्ल्ड पोल्ट्री इज ऑफ्टन यूज टू रेफर द मीट फॉर ओनली दीज वर्ड्स, बट इन ए मोर जनरल सेंस इट मे रेफर टू मीट ऑफ द अदर वर्ड्स आल्सो। तो पॉटरी का हम जनरली मीन क्या मतलब समझते हैं, जनरली हम चिकन्स के लिए ही बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसके लिए अदर बर्ड्स को भी, है ना, जिनका मीट खाया जाता है उनको भी डेवलप करना, उनकी भी मैनेजमेंट करना, उनको ब्रीडिंग कराना, ये भी सब पॉटरी फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है हमारा। सेलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ता है हमारा, दोनों चाहे डेयरी फार्मिंग हो चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, उनके लिए क्या करना है, पहले तो हमें डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड को हमें क्या करना पड़ेगा, चेन करना पड़ेगा हमारा, प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म कंडीशन रखना पड़ेगा जहाँ पे हम इनको पाल रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो चाहे हमारा डेयरी फार्म हाउस हो हमारा, तो वहाँ पे वो उसकी कंडीशन कैसे साफ सुथरी होनी चाहिए, जर्म फ्री हमें देखने को मिलना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए हमारा, है ना, प्रॉपर फीड उनको देना चाहिए, है ना, वाटर सप्लाई होना चाहिए और हाइजीन और हेल्थ केयर का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जो एनिमल्स को पाल रहे हैं उनकी नियमित रूप से चिकित्सीय जांच होनी चाहिए उनके अंदर। एंड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म एंड द डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए इन तीनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो दोनों के लिए एक सिमिलरली एक जैसी गाइडलाइन है, तो दोनों को मैंने शामिल कर दिया यहां पे। ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन हस्बेंड्री। सबसे बात करना है कि हमें उच्च गुणवत्ता का एनिमल चाहिए, हमें उसकी ब्रीड प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल करने के लिए हमारा, एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारा, एक अच्छी ब्रीड का एनिमल को छांटना पड़ेगा, हमें चेन करना पड़ेगा हमारा। एनिमल ब्रीडिंग एम इज, एम क्या है हमारा, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो सके एंड
इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोड्यूस, और जो जो प्रोडक्ट बनना है वो अच्छी क्वालिटी का भी हो, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी हमें देखने को मिले हमारा। यहाँ पे टर्म ब्रीड वाला, ब्रीड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं हमारा, रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस फीचर साइज एंड कॉन्फिगरेशन। यानी कि क्या हुआ, ऐसे जहाँ एनिमल्स का रिलेटेड ग्रुप होता है जो हमारे क्या होते हैं सिमिलर, उनके जो पेरेंट्स होते हैं हमारे उनसे आए हों, एक जैसे दिखने में करेक्टर्स होते हों, जनरल अपीरियंस में, फीचर्स में, साइज में, कॉन्फिग्रेशंस में, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ब्रीड कहलाएंगे हमारे। तो एक ही पेरेंट लाइन के जो एनिमल्स होंगे हमारा है ना, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ब्रीड कहलाते हैं हमारे। बात करते हैं अभी ब्रीड के बारे में, तो ब्रीडिंग की बात करते हैं हमारा, द ब्रीडिंग इन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड है ना, तो इनके बीच में क्या करना, आपस में ब्रीडिंग कराना, जनन कराना क्या होता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है। वाइल क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराना, आउट ब्रीडिंग कहलाता है। तो दो प्रकार की हमें ब्रीडिंग हमें देखने को मिलती है, जब सेम एनिमल्स ब्रीड के होते हैं, एक ही प्रजाति के, एक ही पेरेंट लाइन के हमें देखने को मिलते हैं, उनके बीच में ब्रीडिंग करा रहे हैं तो क्या कहलाएगी, इन ब्रीडिंग कहलाती है। और जो डिफरेंट ब्रीड के होंगे हमारे है ना, तो उनके बीच में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, आउट ब्रीडिंग हमारी कहलाती है हमारा। यहाँ पे इन ब्रीडिंग की बात करते हैं, इन ब्रीडिंग क्या है, द मीटिंग ऑफ द मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स है ना, इंडिविजुअल्स की बात करें, विद इन द सेम ब्रीड, जो सेम ब्रीड के फॉर 3 to 6 जनरेशन तक हैं है ना, उनको क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग कहलाते हैं। मतलब क्लोजली इंडिविजुअल्स होंगे, यानी ये एक ही प्योर लाइन हमें एक पेरेंट लाइन में हमें देखने को, जो जिनकी 4 से 6 लाइन तक हमारा सेम जनरेशन हमें देखने, उनके बीच में ब्रीडिंग कराना, प्रजनन कराना क्या कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है हमारा। इन ब्रीडिंग से क्या होता है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन ब्रीडिंग कराने से क्या हुआ, होमोजाइगोसिटी। अगर हेटरोजाइगस कंडीशंस भी होती है भाई में इनिशियली कंडीशन में, तो धीरे-धीरे जब उसकी इन ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या हुआ, होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है। तो इसमें क्या होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो अभी में दिख नहीं रहे हैं, उनके डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं होमोजाइगोसिटी है ना, डेवलप होता है। तो इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी है ना, इफ वी वांट टू डेवलप ए प्योर लाइन, प्योर लाइन में अगर इन एनी एनिमल्स के ले लेते हैं, इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन के द्वारा हम अलग करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन्स को भी कामने में मदद करती है यहाँ पे। पर यहाँ पे इसका यही होता है इसमें हमारा, कि कंटिन्यूस अगर इन ब्रीडिंग कराते हैं हमारा, तो स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूस द फर्टिलिटी, जनन की क्षमता, और इवन द प्रोडक्टिविटी फर्दर आगे चल के जाकर है ना, ये संख्या घट सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो इन ब्रीडिंग के फायदे हैं, पर साथ साथ क्या है उसके अंदर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आगे क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी घट जाती है हमारे, तो इसे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा हमारा, ठीक है। यस, Whenever this become a problem, है ना, so selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animal of the same breed. अगर ऐसी समस्या आती है हमारा, तो क्या करेंगे हमारा, उसी unrelated superior animal of the same breed से हम क्या करा देंगे, वापस उसका क्रॉस करा देंगे। This usually help to restore the fertility or yield productivity, दोनों को क्या करेगा हमारा, रेस्ट होगा। जैसे जैसे हमारा ये होगा, inbreeding depression आएगा हमारा है ना, बाद में जो superior, उसी breed के superior से हम वापस क्रॉस करा के दोबारा इस conditions को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल्स यहाँ पे डेवलप की गई है हमारा है ना, चिकन्स की होते जैसे जर्सी और लेगहैम की बात करेंगे, ऐसे ही ये डंकी के बारे में बात किया गया हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूल हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ब्रीडिंग की वजह से हाइब्रिडेशन प्रोडक्ट है एक प्रकार का हमारा, आगे इसमें पढ़ेंगे हमारा। जैसे कि फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स को क्रॉस कराते हैं तो म्यूल डेवलप होता है हमारा, और फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को क्रॉस कराते हैं तो हिनी प्रोडक्ट होता है। परंतु ये सब चीज़ें क्या है हमारे, ये सब है ना इनफर्टाइल्स होते हैं, आगे अपने जैसे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो बात करते हैं आउट ब्रीडिंग, तो हमने ये ब्रीडिंग पढ़ा, पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग के बारे में। द
ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स है ना, विच मे बी डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड से हमें करते हैं हमारा, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, उनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए हमारा, ब्रीड सेम है पर वो उनका कॉमन एंसेस्टर, उनके पैतृक समान नहीं होने चाहिए, एक पीढ़ी नहीं होनी चाहिए पूरी हमारा, फोर टू सिक्स जनरेशन तक भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए हमारा, उसको हम क्या कहेंगे आउट क्रॉसिंग कहते हैं। और डिफरेंट और बिटवीन डिफरेंट द ब्रीड, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में करा रहे हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं है ना, तो उसे कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। और अगर डिफरेंट स्पीसीज के बारे में तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो आउट ब्रीडिंग हम तीन चीजों को पढ़ेंगे, पहला है आउट क्रॉसिंग के बारे में, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, और तीसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ते हैं यहां पे। पर ये दोनों क्या होते हैं हमारी सेम जनरेशन है जी, डिफरेंट जनरेशन के में देखने को। पहले बात करते हैं आउट क्रॉसिंग के बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ द मेटिंग ऑफ द एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, क्या होता है हमारा सेम ब्रीड के अंदर, बट मूविंग नो कॉमन एंसेस्टर, ब्रीड सेम है पर उनका कोई कॉमन एंसेस्टर पैतृक समान नहीं है, ऑन द आइदर साइड दोनों तरफ की बात करते हैं मेल फीमेल साइड में है ना, देयर प्रोजेनी अप टू 4 to 6 जनरेशन तक अगर कोई सिमिलरिटी नहीं है उनके बीच में क्रॉस कराने क्या कराता है आउट क्रॉसिंग कहलाती है हमारी। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इस जो होता है वो क्या होता है एक आउट क्रॉस के रूप में डेवलप होता है, इट इज़ अ बेस्ट ब्रीडिंग मेथड्स के रूप में जाता है फॉर एनिमल्स डैट आर बिलो एवरेज ऑफ द प्रोडक्टिविटी देखने में मिलती है इन द मिल्क प्रोडक्शन में, ग्रोथ रेट में, इन बीफ कैटल्स में हमें एक एवरेज प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके मास के प्रोडक्शन की बात हो, हमारा मीट के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मिल्क के प्रोडक्शन की बात हो हम देख सकते हैं। दूसरी बात है क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, इन दिस मेथड में क्या करते हैं सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड, एक ब्रीड का हमने क्या करें सुपीरियर मेल को ले लिया, उसको मैट कराते हैं किसके सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड के साथ, हमने क्या किया उसको मैटिंग कराई। सो क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, मालूम पड़े कि एक ब्रीड है जो अच्छा मिल्क देती है और एक दूसरा है ये अच्छे नंबर्स वो एक ज्यादा देते हैं, दूसरी ब्रीड है जो जिसका मीट ज्यादा अच्छा है ना, तो दोनों को हमने क्या किया क्रॉस करा लिया, तो हमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले भी होंगे, ज्यादा मिल्क देने वाले होंगे, ज्यादा मिल्क मीट देने वाले भी हो सकते हैं, और जिनका नंबर प्रोडक्शन भी ज्यादा हो ऐसा बन सकते हैं हमारा। सो एग्जांपल के रूप में हिसारडेल है ना, एक न्यू ब्रीड ऑफ शीप जो होती है भेड़ की, नई शीप डेवलप की गई किसके द्वारा, बाय द इन द पंजाब के अंदर डेवलप की, इन बाय क्रॉसिंग कराया बीकानेरी एवीज एंड द मेरिनो रैम्स के बीच में, दोनों के बीच में क्रॉस कराने से क्या हुआ हिसारडेल एक नई प्रजाति डेवलप हुई भेड़ के अंदर देखने को मिली हमारा, तो इसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग हम इसको बोलते हैं। तीसरे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन टेक्निक के बारे में, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं हमारी उनके बीच में क्या गया मैटिंग कराते हैं हमारा, ये कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है आर कैरिड आउट यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ, इसका यूज कराया जाता है यहाँ पे हमारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको याद होगा है ना, बाहर से हमने स्पर्म का फीमेल्स के अंदर इंसर्जन कराना हमारा, द फीमेल इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल है ना एंड इज चूजन एज ए पेरेंट्स, तो सीमन क्या किया हमने कोई आपको देखा होगा गाँव के अंदर देखा होगा कोई ऑक्स की बात करते हैं हमारा है ना, और वहाँ से उसका क्या गया कोई गांव का अच्छा है कोई वहाँ पे कोई तो सांड है उसका क्या हुआ हमने सीमेंस को कलेक्ट किया, अब मालूम पड़ा कि एक जो अच्छी क्वालिटी का सांड है वो फला गांव में या फला शहर में या फला कंट्री के अंदर है, और काऊ जो है हमारी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर जो भी मतलब एक्स वाई जेड कहीं दूर दूर जगह पर, तो मेटिंग में तो क्या होता है हमारा दोनों को एनिमल्स को क्या होना पास लाना होता है हमारा यहाँ पे, पर अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है दोनों को पास लाना तो क्या करते हैं उस ऑक्स का क्या कर लेंगे हमारा हम सीमन लेके आएंगे ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या करेंगे उस फीमेल्स के अंदर उसका इंसर्जन करा देंगे ठीक है, तो वहां पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दिस सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज ए पेरेंट्स के रूप में लिया और इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर्स के रूप में इसको इंसर्ट करता है, द सीमन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन, तो अपने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ाया था कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको क्या करते हैं स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एंड यूज एज ए लेटर डेट, बाद में भी हम यूज करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन द फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस, जहाँ पे हमने फीमेल को रखा है वहाँ पे, तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक के रूप में कह सकता है कि मेल कहीं पे हो फीमेल कहीं पे भी हो
है ना, हम दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम देखने को मिल सकते हैं। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर द कैरेट, तो हमें क्या होता है, एक डिजायर करेक्टर हमारा कंट्रोल कंडीशन हमें देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्मल मेटिंग, में जो सेवरल प्रॉब्लम्स होती है कि मेल कहाँ है फीमेल कहाँ है, दोनों को पास में लाना है ना, मेटिंग करवाना, बड़ी बड़ी टिपिकल सी प्रोसेस रहती है। तो ये सब चीज़ें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती है हमें देखने को। इफ द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज फेयरली लो, बहुत कम हो जाती है, थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट करने से हमारा। नेक्स्ट एक और टेक्निक हम बात करते हैं, है ना, और मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मोस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी। देखिए इनब्रीडिंग सेमिनेशन में क्या था, हमारा फीमेल कहीं हाउस थी और स्पर्म हम कहीं और से लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें उल्टा जब देखें एक प्रकार से इसका रिलेशन, अब फीमेल है ना, अब उसके एम्ब्रियो को जो उसका एग है जो उसका एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर करने की हमारी टेक्निक है हमारा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन मॉइस्ट के अंदर देखने को बात करते हैं हमारा। इन दिस मेथड द काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन लाइक FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, क्या करते हैं हमारा स्टिम्युलेट करते हैं, जो क्या करते हैं सुपर ओवुलेशन करा देते हैं हमारा। तो ओवरी से ज़्यादा ओवम क्या होंगे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जहां पे एक एक पैदा होना था हमारा पर साइकिल के अंदर जो देखने को मिलते हैं, वहां पे 6 से लेके 8 एग तक प्रोड्यूस होने लगेंगे फीमेल्स के अंदर। द एनिमल इज आइदर मेट विथ एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड करते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं इस एनिमल को, या तो बुल के साथ क्या कर सकते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, या तो उसको मैटिंग करवा देंगे या फिर क्या होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। यहाँ पे देखना द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग हुए हमारे जो कि 8 से 32 सेल 8 to 32 सेल स्टेज के अंदर था, है ना, रिकवर्ड, उनको रिकवर्ड करते हैं नॉन सर्जिकल फॉर्म्स के अंदर हमारा एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। हम क्या कर सकते हैं हमारा सरोगेट मदर्स कौन से होती हैं, वो मदर्स होती हैं जैसे किराए की कॉक बोलते हैं ना हमारा। तो हम क्या कहते हैं उन फर्टिलाइज एग को लिया और ऐसी ही दूसरी काउ को जो कि क्या होगा हमारा गर्भाधान के अंदर है, हमारी प्रेगनेंसी कंडीशंस के अंदर है, है ना, उसके अंदर क्या होगा उस एग को क्या करेंगे डाल देंगे हमारा फर्टिलाइज ओवम को ट्रांसपोर्ट कर देंगे हमारा। तो उसके अंदर भी क्या होगा नेचुरली वही एम्ब्रियो क्या होगा डेवलप होना लग जाएगा हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। द जेनेटिकली जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ द सुपीरियर ओवुलेशन, और जो मेन मदर है हमारी उसको क्या होगा वापस आप सुपर ओवुलेशन के लिए तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया ओवम को डिफरेंट अलग अलग काउ के अंदर हमने क्या किया एनिमल्स के अंदर क्या हो गया इम्प्लांट कर दिया यहाँ पे देखने को मिला हमारा यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोस्ट टेक्निक, इसको बोलते हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोस्ट्रेटेड किसके लिए क्या किया हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कैटल्स के लिए क्या हुआ, शीप के लिए क्या हुआ, रैबिट्स के लिए क्या, बफेलोस के लिए और मैरस के लिए हमने इनको सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया हमारा यूज किया गया यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ द फीमेल एंड हाई क्वालिटी यानी लीन मीट विथ लेस लिपिड होने के साथ साथ मीट यील्डिंग बुल्स हैज बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम्स के अंदर, उनके नंबर्स को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी टेक्निक यहाँ पे देखने को हमें मिलती है यहाँ पे मॉइस्ट के बारे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी कीपिंग के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। बी कीपिंग और एपिकल्चर इज ए मेंटेनेंस ऑफ हीव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन, तो मधुमक्खी के छत्तों को रखना संभाल के रखना मधुमक्खी पालन के लिए शहद के उत्पादन के लिए हमारा, है ना, उसे हम कहते हैं बी कीपिंग हम कहते हैं हमारा। इट हैज़ बीन एन ओल्ड एज कोटेज इंडस्ट्रीज हमारी बहुत प्राचीन समय से हम इसको करते आ रहे हैं हमारा। हनी इज ए गुड फॉर न्यूट्रिटिव वैल्यू, बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, आल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, और कई मेडिसिन में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी क्या हुआ इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं हमारा। हनी बी आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स का प्रोडक्शन करते हैं हमारा, इसके साथ क्या होता है हनी बी से हनी बीज के जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसके साथ हमें क्या होगा हनी तो मिलेगा मिलेगा, साथ में क्या मिलता है हमारा बी वैक्स भी मिलता है ना, मोम भी हमें प्राप्त होता है। यूज इन इंडस्ट्रीज में वैक्स का काम होता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स में हम इसको यूज करते हैं, पॉलिश के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट में इसको लिपस्टिक वगैरह जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना उनके अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उनमें हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरियाज वेयर देयर इज सफिशिएंट बी पोस्चर, सम
वाइल्ड श्रब फ्रूट्स ऑर्चिड्स एंड कल्टिवेटेड, और यहाँ पे कहता हूँ ना कि जहाँ पे बहुत सारे आपको क्या हुआ, आपको क्रॉप्स डिफरेंट लग रहे हो, बगान्स हो, आपके गार्डन्स हो, है ना, जहाँ पे कई सारी क्रॉप्स आपके डेवलप हो रही हो, डेवलप, तो वहाँ सब जगह आप पे जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमें देखने मतलब, तो वहाँ पे आप बी कीपिंग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रेयर्ड, हम इसमें क्या होता है बहुत सारे हनी बी की वेराइटीज होती है जिनको हम क्या करते हैं पालते हैं हमारा। ऑफ दीज मोस्ट कॉमन जो हमारा इंसेक्ट इंडिया वो है एपिस इंडिका का, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एक प्रकार की होती है, हाई हनी प्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलता है हमारा। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग, बी कीपिंग करनी तो आपको क्या क्या बातें ध्यान होना चाहिए, नॉलेज एंड नेचर ऑफ द हैबिट ऑफ द बी के बारे में, जैसे एपिस इंडिका है, एपिस मेलिफिका है, तो कई सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है, उसमें से कौन सी अच्छी वेराइटी है, कौन से जिसको पालतू है, उन सब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी यूज, तो मधुमक्खी के छत्ते रखने के लिए आपको कौन सी जगह अच्छी है वो जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैचिंग द हिविंग ऑफ द स्वाम्स यानी ग्रुप ऑफ बी, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं स्वाम्स बोलते हैं हमारा, तो आपको उस स्वाम्स को आपको उस कैचिंग करना क्या होता है, जो रानी मक्खी होती है रानी मक्खी को छत्ते से निकालना होता है और किसी एक छत्ते में आप डाल दोगे तो वो अपने आप ही वहां पे क्या होता है गुच्छा एक हमारा कहते हैं ग्रुप बन जाता है, इसको बोलते हैं स्वाम्स बोलते हैं हमारा, याद रखिएगा पूछा गया हमारा। यहाँ पे तो मैनेजमेंट ऑफ बी हिव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, तो डिफरेंट सीजन है वहां पे उनका मैनेजमेंट करना, रख रखाव करना हमारा, और हैंडलिंग एंड कंट्रोल द हनी एंड द बी वैक्स, जो हम उससे बाद में हमें हनी निकालना और बी वैक्स करना, उसको कलेक्शन करना सही ढंग से हमारा, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए आपको, ये है तो आप अच्छे बी कीपर्स बन सकते हैं हमारा। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ अवर क्रॉप है ना स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, बीज आपको बहुत मालूम है, आपको मालूम है हमने अपना चैप्टर पढ़ चुका आगे, ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं जैसे कि सनफ्लावर के लिए, ब्रेसिका के लिए, एप्पल के लिए और पियर्स के लिए हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो कीपिंग बी यूज इन क्रॉप फील्ड आपके फसली मैदान में रखने पर ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पॉलिनेशन एफिशिएंसी, क्या हुआ पौधों में पॉलिनेशन परागण की क्षमता भी क्या होती है बढ़ जाती है हमारा, एंड द इंप्रूव द यील्ड बेनिफिशियल है ना, तो दोनों के लिए अच्छा है यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप की वजह से भी और हनी के कलेक्शन के लिए, दोनों तरह से एक प्रकार से ये अच्छी बात हमें देखने को मिलती है बी कीपिंग में, हम इस तरह की बात करते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं फिशरीज के बारे में बात करते हैं है ना, मत्स्य पालन इसको बोलते हैं। फिशरीज इज ए इंडस्ट्रीज डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश है ना, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स का हमने क्या करना उनका प्रोसेस करना, कैचिंग करना, रेयरिंग करना, क्या कहते हैं फिशरीज हमारी कहलाती है हमारा। ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द फिश, तो जो भी एक्वेटिक समुद्री किनारे हमारी पॉपुलेशन है वो सब किस पर डिपेंड है हमारी फिश पे होती है। फिश क्या होता है एक फूड के रूप में हमें काम रहता है, तो फिश प्रोडक्ट एंड देयर एक्वेटिक एनिमल सच एज प्रॉन क्रैप लॉबस्टर इडेबल ऑस्टर्स ये आदि सारी चीज़ें हम क्या करते हैं फूड के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं हमारा। कॉमन फ्रेश वाटर फिशेज की बात करें तो काटला राहू और कॉमन कार्प ये हमारी फ्रेश वाटर फिशेज के रूप में होती है हमारा। समुद्र मैराइन फिशेज की बात करें है ना जो कि ईटन जो खाने में यूज होती है जैसे कि हिल्सा सार्डिन और मैकरेल्स एंड पॉम्फ्रेट ये सारी फिशेज हो गए मैराइन फिशेज हमारी कहलाती है जिनका हम क्या करते हैं फिशरीज में करते हैं। फिशरीज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है हमारा वो क्या होता है समुद्र से घिरा हुआ हमारा। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरीज डिफरेंट टेक्निक्स हैज बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन के लिए हम इसको डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया इन डिफरेंट प्रोडक्शन हमने जो फिश प्रोडक्शन हमने बढ़ाया इसको हमने क्या बोला ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं हमारा है ना। तो क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन बोला तो उसके बोला व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला हमने और मिल्क का और फिशरीज का कहलाता है क्या बोला ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू यानी ओशन ओशन से ना तो ब्लू ओशन होता है ना तो उसे ब्लू रिवॉल्यूशन का किसके लिए फिशरीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। ऐसे पीसी कल्चर्स कहते हैं और एक होता है एक्वा कल्चर्स कहते हैं हमारा। तो पीसी कल्चर्स क्या हमारा जनरली हम क्या करते हैं जो फिशेज है हमारा है ना उनका ही हमारा एक जगह पॉन्ड्स के अंदर हम बात करें या आपके रिवर्स में बात करें है ना या लार्ज लेक्स के अंदर बात करें वहाँ पे हमने फिशेज का प्रोडक्शन बढ़ाया उनकी रेयरिंग करी हमने है ना तो उसे क्या होता है पीसी कल्चर्स कहते हैं। पर फिशेज के साथ साथ हमने अदर एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स का भी हम क्या करते हैं रेयरिंग करते हो हमारा उनको पालते हो मैनेजमेंट करते हो हमारा है ना। फिश के साथ साथ हमारा दूसरे भी जो एनिमल्स होते हैं हमारे ऑयस्टर्स के बारे में बात करें क्रैब के बारे में लॉयस्टर्स के बारे में बात करें तो इन सबको क्या करते हैं एक्वा कल्चर टेक्निक बोलते हैं हमारा। यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक्वा कल्चर्स में आपको क्या होता है आपको ऑयस्टर को करते हैं हमारा ऑयस्टर क्या होता है मोती डेवलप होता है हमारा तो ये सब एक्वा कल्चर टेक्निक के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो ये अभी तक जो हमने जो देखा ये सारा था एनिमल से रिलेटेड हमने बात की। अब हम बात करते हैं प्लांट से रिलेटेड, बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, प्लांट्स के द्वारा हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं हमारा देखने को मिलते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज ए पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट टाइप्स एंड आर बेटर सुटेड फॉर द कल्टिवेशन गिव बेटर यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या किया हमने ऐसे क्रॉप को, हमारी प्लांट स्पीसीज को डेवलप करना है ना, जिससे ज़्यादा हमारी यील्ड प्रोडक्शन प्राप्त हो और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो सके और जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उनसे लड़ने की क्षमता भी उनके अंदर देखने को मिले। तो ऐसे डेवलप करना, हमारा प्लांट्स की स्पीसीज डेवलप करना प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है हमारा। एविडेंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग डेट इज नो 9,000 to 11,000 ईयर। और प्लांट ब्रीडिंग का अगर इतिहास देखें तो हमारा 9,000 से 11,000 साल पुराना हमें अभी तक देखने को मिल रहा है, रिकॉर्डेड है हमारे डिफरेंट्स के अंदर, बुक्स के अंदर बात करें हमारा एविडेंस के रूप में देखने मिलता है। मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स के अंदर में देखने को मिलता है हमारा। टुडेज ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिजायर फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज से ही हमारे ये सब चीज़ें आज फ्रूट क्रॉप्स हैं हमारी उन्हीं वैरायटीज से डेवलप की गई है हमारा। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव क्रॉसिंग और हाइब्रिडेशन ऑफ प्योर लाइंस followed by artificial selection to produce plant with a desirable trait of higher yield, nutrition and resistant to the disease. देखिए अब देखिए ऊपर क्या होता है, जो परंपरागत जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग थी जो पहले पुराने समय से हम करते आ रहे थे हमारा, तो उनसे क्या होता है प्योर लाइन हमारी डेवलप होती थी हमारी, है ना। अब उसको हमने क्या होता है, अब उससे क्या प्रोडक्शन हमारा कम देखने को मिलता था, पर उसके हमने बात क्या किया हमारा, उसके साथ साथ हमने क्या किया, जो क्लासिकल थी हमारी परंपरागत थी उसके साथ क्या किया, आर्टिफिशियल सेलेक्शन भी हमने उसमें डाल दिया हमारा, जिससे क्या होगा हमारे डिजायरेबल ट्रेट को उसमें इंक्लूड कर दिया हमारा, जब हाइब्रिडेशन आर्टिफिशियल एडिशन किया जिससे क्या हुआ हायर यील्ड प्रोडक्शन बन गया, न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड की क्या होगी बढ़ गई और डिजीज रेसिस्टेंट हमारी क्रॉप डेवलप होने लगी यहाँ पे देखने को मिला हमारा। सो विथ एडवांटेजेस की बात करें, इन जेनेटिक्स का हमने इस्तेमाल किया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल किया और टिश्यू कल्चर टेक्निक का हमने यूज किया हमारा। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, अगर आज के समय में टेक्नोलॉजी का बात की हमने, इज नाउ इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन बढ़ चुका हुआ, कैरिड आउट बाय द क्रॉसिंग द मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स के द्वारा हमने इसका प्रोडक्शन हमने बढ़ा चुके हैं हमारा। क्या था हमारा पर्पज, इंक्रीज करना था इन सब टेक्निक से हमारा, जैसे कि क्रॉप यील्ड आर इंप्रूव्ड क्वालिटी बनाना था, इंक्रीज टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस से उनको लड़ना सिखाना था, जैसे कि सैलिनिटी लवणता से वो प्लांट लड़े हमारा, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर रह सके, ड्रॉट सूखे को सहन कर सके, तो ऐसे हमारी हमारी क्रॉप फील्ड को हमने प्रोड्यूस करना था। इसके अलावा रेसिस्टेंट टू द पैथोजन, है ना, रोग कारक से लड़ने की क्षमता, जैसे कि वायरस फंजाई और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता, इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट से, है ना, जो इंसेक्ट पीड़क होते हैं खाने वाले उनसे बचाव कर सके हमारा। तो ये सब चीज़ों से हमें लड़ना था और इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया हमारा, हमने आर्टिफिशियल टेक्निक को हमने क्या किया यूज किया हमारा यहाँ पे, क्या किया हमने यूज किया यहाँ पे, तो डिफरेंट आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया। द मेन स्टेप इन ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ ए क्रॉप्स अगर बात करते हैं हमारा, तो क्या कि हमने स्टेप्स किया, फर्स्ट इज हमने कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी, है ना, विभिन्नताओं को क्या किया हमारा, डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस को उनको कलेक्शन किया, यानी कि जेनेटिक वायबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये सबसे बड़ा काम होता है, हमें सबसे पहले उनकी विभिन्नताओं को छांटना होता है। अब कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज, तो जो वाइल्ड वैरायटीज होती है हमारी जंगली प्रजाति होती है वो जनरली क्या होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता उनमें क्या होती है ज्यादा होती है, ड्रॉट, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, तो हमने उसको लिया, है ना, स्पीसीज को लिया एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टीवेटेड स्पीसीज को लिया हमारा, है ना, जो लेते हैं फॉलोड बाय देयर इवोल्यूशन ऑफ देयर कैरेक्टर्स, और हमने क्या किया उनकी जो डोमेस्टिकली हम यूज करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं और वाइल्ड वैरायटी होते हैं दोनों के कैरेक्टर्स को देखा हमने, उनके कैरेक्टर्स को हमने समझा हमारा। इट इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन नेचुरल जीन अवेलेबल इन दिस पॉपुलेशन, तो इनकी जो नेचुरल जीन्स को हमने क्या होगा आइडेंटिफाइड करना होता है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनको सबसे पहले पहचानना होता है हमें, तो उसके बारे में इसको ये चीज हमें जेनेटिक वायबिलिटी हमें देखनी होती है। द एंटायर कलेक्शन, अब हमने जब उसको सबको समझ लिया है और द प्लांट या सीड के रूप में जब भी हैविंग ऑल डाइवर्स एलील ऑन द जीन
इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड द जर्म प्लांट कलेक्शन। तो हमने क्या किया, डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को लिया, जहाँ पे क्या हुआ डिफरेंट डिजायरेबल जीन्स हमने प्रेजेंट है, उन डिफरेंट उनके कलेक्शन को क्या होता है जर्म प्लांट कलेक्शन कहते हैं, याद रखा। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स का हमने क्या किया हमारा। The germ plasm is evolved as identify the plants and desirable combination of characters के साथ हमने उसको लिया, कौन से किसको हमें male plant बनाना है, किसको female plant बनाना है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको evolution किया और parents का हमने क्या selection किया हमारा यहाँ पे। The selection plants are multiplied and used in the process of hybridations के लिए। अब हमने क्या किया उनका संकरण के लिए उनका क्या हमने use करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी हमने बात की थी, जो मेंडल साहब ने भी की थी, बैगिंग टेक्नोलॉजी और इमेस्कुलेशन टेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं हाइब्रिडेशन टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हमारा। सो प्योर लाइन इज क्रिएटेड वेयर इज डिजायरेबल एंड पॉसिबल हो, तो हमारा प्योर लाइन को हम क्या करें तैयार करेंगे, यहाँ पे हम तैयार करेंगे। नाउ उसके बाद क्या होगा, क्रॉस हाइब्रिडेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। अब क्या करेंगे हमारा जो सेलेक्टेड पेरेंट्स हमने लिए उनके बीच में क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन की तैयारी करते हैं हमारा, यहाँ पे तैयार करते हैं उनका क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए वही हमने कहा बैगिंग और इमेस्कुलेशन टेक्नोलॉजी का जैसे का यूज करते हैं। सेलेक्शन एंड टेस्ट ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, अब इनके द्वारा जो क्रॉस हमें तैयार हुई, जो हमारे सीड्स तैयार हुए या प्लांट तैयार हुए, उसमें से उनका सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को तैयार करना होता है, हमें पहचानना होता है हमारा बेस्ट क्वालिटी के अंदर, है ना। पर इसमें टाइम भी लगता है, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में किया और एक बार में आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये कई जनरेशन तक चलते हैं, कई साल तक एक्सपेरिमेंट चलते हैं, तब जाके हमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमें प्राप्त होता है हमारा। फिर इस सुपीरियर इक्विपमेंट के रिकॉम्बिनेंट को क्या करते हैं हमारा, उसकी टेस्टिंग करते हैं हमारा, है ना, कि क्या उसके अंदर जो हमने डिजायरेबल करेक्टर हमने जिनके लिए हमने क्रॉस कराया था वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है। फिर उसका क्या करते हैं रिलीज कराते हैं, उसका मार्केटिंग कराते हैं हमारा, फिर उसको कमर्शियल यूज के लिए न्यू कल्टीवेशंस के लिए मार्केट में पहुंचा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है, इसके अंदर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पांचों पॉइंट्स को पूछा गया है कि सिमिलरली आप बता दिए कौन से पांच पॉइंट है से यहाँ पे। सो इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चर कंट्री, हम जानते हैं हमारा यहाँ पे कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अवर 33% ऑफ द जीडीपी, हमारा जीडीपी का 33% पैसा हमारा कहाँ से आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ही आता है हमारा। और इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे 62% पॉपुलेशन हमारी किस पे एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है हमारा। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करें, जब से इंडिया आज़ाद हुआ, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग द कंट्रीज वाज दैट द प्रोडक्शन इनफ फूड एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए हमारा देश कृषि प्रधान था, पर फिर भी हमारी जो जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उस हिसाब से हम क्या कर रहे थे, हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग अभी क्या होता हमारा जो परंपरागत खेती थी है ना उसी का ही यूज कर रहे थे, जिससे हमारा क्या होता एक लार्ज क्वांटिटी में फूड का प्रोडक्शन होता और बढ़ती हुई जनसंख्या को पालना बड़ा मुश्किल था, उनके लिए फूड सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो एज ओनली लिमिटेड लैंड इज फिट फॉर द कल्टीवेशन, सबसे बड़ी थी कि एक बहुत जो अच्छी जमीन थी फसलों के लिए तो बहुत कम थी। इंडिया हैज़ टू स्ट्रीव इन द इंक्रीज फील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, तो आज के हम बात करते हैं उससे तो बहुत कम पहले हमें देखने को मिल रहा था। डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन द मिड 16 आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक लीड टू द ड्रामेटिक इंक्रीज हमें देखने का। तो हमारी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो गेहूँ पे और चावल पे क्या हमारा डिपेंडेंट है, और इसको डेवलप कराने का काम क्या हुआ, जो हाई क्वालिटी हमने प्रोडक्शन बढ़ाया हमारा है ना, तो वो उसको क्या हमने ग्रीन इवोल्यूशन रिवोल्यूशन के द्वारा हरित क्रांति हमने डेवलप कराई हमारा, हमने बात करते हैं हमारा। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि गेहूँ का 1960 के अंदर गेहूँ की प्रोडक्शन की बात करें हमारा, तो लगभग 1960 में 11 मिलियन गेहूँ हमारा प्रोडक्शन होता है, जो सन 2000 के अंदर ये बढ़कर हमारा 75 मिलियन टन्स हो गया हमारा। ऐसे ही अगर हम राइस के बारे में बात करें हमारा, तो 1960 के अंदर 35 मिलियन टन्स हमारा चावल पैदा होता था हमारा, और 2000 के अंदर बन गए 89.5 मिलियन टन्स हमें देखने मिलते। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई हमारा, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण हमें देखने को मिला। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो नोबल लिटरेचर नॉर्मन ई बर्लॉन्ग एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर द वीट एंड वेज मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलपमेंट इन सेमी ड्रॉप वीट को उन्होंने, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो नॉर्मन ई बर्लॉन्ग को कहते हैं हमारा, और इंडिया की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को हम क्या कहते हैं, इंडिया का ग्रीन रिवोल्यूशनर कहते हैं हमारा, हरित क्रांति इनके जनकदाता इनको कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन साहब को कहते हैं हमारा। तो इन्होंने इन चीज़ को वैरायटी
वैराइटीज को क्या किया हमारा, बढ़ाया यहाँ पे। इन 1963 के अंदर बात करें हमारा, सेवरल वैराइटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना विच आर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द व्हीट ग्रोविंग बेल्ट ऑफ द इंडिया के अंदर, इसको क्या किया हमारा, डेवलप कराया। तो इनको डेवलप किसने कराया, एम एस स्वामीनाथन साहब ने इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया हमारा यहाँ पे। ऐसे सेमी ड्वार्फ राइस वैराइटीज जो ड्राइव जो हमारा डेवलप किया गया, IR80 डेवलप किया, जो कि क्या हुआ, डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस, और ट्राइचुंग नेटिव फ्रॉम द ताइवान से जो जो जीन्स लाई गई उनसे हमारा IR80 को, राइस की वैराइटी को क्या किया, डेवलप किया गया। इससे हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा, बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ राइस वैराइटी जया और रत्ना को भी आपस में इंडिया में क्या किया हमारा, डेवलप किया गया, यहाँ पे देखने को मिला हमारा, देखने को मिलता है यहाँ पे। जो नॉर्मल बर्लोंग की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया हमारा, सोनारा 64 की बात करते हैं हमारा, लेमो रोजा 64 जैसे वीट की ड्वार्फ वैराइटीज को डेवलप किया था हमारा। और इंडिया के अंदर जो स्वामीनाथन साहब है, इन्होंने म्यूटेशन टेक्निक का यूज करते हुए हमारा क्या किया, इन्होंने बेटा सोनालिका और कल्याण सोना जैसी वैराइटीज को क्या किया हमारा, डेवलप किया था, यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये डिफरेंट वैराइटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, सम इंडियन हाइब्रिड जैसे कि मेज की यहाँ पे तैयार की गई है, वीट के तैयार की, सोनालिका हम कहते हैं हमारा, और गार्डन पीस का यहाँ पे मटर का तैयार किया गया यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं शुगर केन वैरायटी के बारे में, करते हैं गन्ने के बारे में, जैसे कि सैक्रम बारबरी जो नॉर्थ इंडिया का है, जो कि पुअर शुगर कंटेंट और यील्ड इसमें देखने को मिलता है। एक तो यहाँ हमारे सैक्रम बार जो नॉर्थ इंडिया का जो गन्ना का किस्म की थी हमारी, और दूसरा सैक्रम ऑफिन और ऑफिसिनेलम जो कि साउथ इंडिया का था हमारा, जिसमें थिकर स्टेम था हमारा और हायर यील्ड शुगर कंटेंट इसने, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, नॉर्थ इंडिया में डेवलप नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया, इनको क्या किया, इनकी जीन को मिक्सिंग कर दिया, दीज टू स्पीसीज आर सक्सेसफुली क्रॉस्ड कराया एंड गेट द शुगर केन वैराइटी कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द हाई यील्ड थिक स्टेम्स और हाई शुगर एंड एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन्स एरिया ऑफ द नॉर्थ इंडिया के अंदर डेवलप पैदा करने लायक ऐसी वैरायटी को हमने डेवलप किया हमारा, जिससे हमारे क्या होगी, हमारी शुगर केन की प्रोडक्शंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे हमने मिलेट्स को डेवलप किया, जहाँ पे हाइब्रिड मेज ज्वार और बाजरा को हमने क्या किया, डेवलप किया इंडिया में। हाइब्रिड ब्रीडिंग जो होती है हमारी, ये सेवरल एक तो हाई प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है हमारा, और ये क्या होती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस को भी सहन करने की क्षमता रखती थी हमारी। तो ये सब हमारे प्रोग्राम ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत उस समय किए गए हमारा। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेसिस्टेंट की। अब डिजीज रेसिस्टेंट बनाने के लिए भी क्योंकि बड़ी समस्या होती है कि किसान क्या होता है, खेती उगाता है हमारा, और क्या होता है उसमें कई बार क्या होती है, बीमारी लग जाती है या उसमें आपको डिजीज लग जाती है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी कीड़ा लग गया उसके अंदर या डिजीज लग गई, तो आप जानते हैं कि एक तो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसको खरीदेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी समस्या लड़ना था हमारा डिजीज रेसिस्टेंस कंडीशन से लड़ने के लिए। तो हमने प्लांट्स को क्या किया हमारा, डिजीज रेसिस्टेंट भी बनाने की कोशिश की। सो ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स है ना, कल्टीवर्स रेसिस्टेंट टू द डिजीज एनहेंस फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ, डिजीज रेसिस्टेंट भी करना है, उसका फ्रूट का प्रोडक्शन भी बढ़ाना। दिस आल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द यूज ऑफ फंगीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स। क्या होता है, हम लोग क्या करते थे जनरली इसके लिए, यहाँ पे क्या करते थे, इन डिजीज से लड़ने के लिए हम ना फंगीसाइड्स का छिड़काव करते थे हमारा, बैक्टीरियोसाइड्स का छिड़काव करते थे। इससे हमारी फसल की कॉस्ट भी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती थी हमारा यहाँ पे देना। तो रेसिस्टेंट टू द होस्ट प्लांट इज ए एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम द कॉजिंग डिजीज एंड डिटरमाइन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट। हमने यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया यहाँ पे। बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन से शुरू करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू नो डेट अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमें इस डिजीज रेसिस्टेंस को शुरू करने से पहले हमें क्या चीज़ की जरूरत है हमारा, कि वो किसके द्वारा उसका हमारा रोग कारक है, मतलब किसके द्वारा वो कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका हमारा, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा, उन दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारा, ताकि तुम उसको ट्रांसमिशन क्या करें, रोक सके हमारा। सम ऑफ द डिजीज कॉज बाई द फंजाई आर द रस्ट देखने को मिलता है हमारा,
जैसे कि हमारा ब्राउन रस्ट ऑफ द व्हीट हमें लगता है, हमारा रेड रोट ऑफ शुगर कॉर्न हमें देखने को मिलता है, और लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो जैसे हमारी क्या होती है ये फंगस डिजीजेज हमें देखने को मिलती, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा उन्हें डिजीज होती है, ब्लैक रोट ऑफ द क्रूसीफर्स हमें देखने को मिलता है, और वायरस के द्वारा डिजीज होती है, टोबेको मोज़ेक टर्निप मोज़ेक वायरस हमारे डिजीज हमारे इनमें देखने को मिली हमारा। तो ये पैथोजन के बारे में हमने, पॉजिटिव एजेंट के बारे में यहाँ पे हमने क्या क्या मालूम किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ वैरायटी, इनकी नई वैरायटी को हमने क्या किया डेवलप, जैसे वीट जो कि हिमगिरी वैरायटी थी हमारा उसको डेवलप किया, जो किसके लिए रेसिस्टेंट था लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट के लिए हमारा रेसिस्टेंट था, और हिल बर्न यानी कि है ना ठंड के कारण पत्ते गल जाते थे जल जाते थे हमारे, तो उसके लिए हमारा क्या था ये रेसिस्टेंट था। ब्रेसिका को हमने जो कि पूसा सरवानी हमने वैरायटी डेवलप किया, इसको करंट ड्राई भी बोलते हैं, ये वाइट रस्ट डिजीज से क्या हमारा रेसिस्टेंट था हमारा। कॉलीफ्लावर को डेवलप किया हमारा जिसमें इसकी वैरायटी थी पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1 करके हमने वैरायटी डेवलप की, जो कि ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्राइट ब्लैक रोट डिजीज से हमारी क्या थी हमारी हमारा डिजीज रेसिस्टेंट थी हमारा। काउ पी को हमने डेवलप किया हमारा यानी पूसा कोमल वैरायटी डेवलप की इसकी, जिससे बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज से हमारा ये क्या हमारा रेसिस्टेंस था। चिली मिर्ची को डेवलप किया, पूसा सदाबहार वैरायटी डेवलप की जो कि चिली मोज़ेक वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल डिजीज के लिए रेसिस्टेंस हमने डेवलप हमने वैरायटी डेवलप की हमने यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट, तो क्या मेथड्स हम अप्लाइड करते हैं यहाँ पे जैसे डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हमारी डेवलप हो। ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक का डिजायर अर्लियर जो हमने पहले बात की थी हमारा उसी टेक्निक का, और बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं यानी कि सुपीरियर वैरायटी यानी कि उसकी जो है वाइल्ड वैरायटी के साथ हमने क्या किया जो नॉर्मल कल्टिवेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करा के हम देखें या म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक का हम यहाँ पे यूज़ करते थे हमारा। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेसिस्टेंट की बात करते हैं जहाँ पे हमने क्या किया हाइब्रिडेशन किया है ना और उसका सिलेक्शन किया संकरण कराया, इट स्टेप आर स्पेशली आइडेंटिकल टू दोज फॉर ब्रीडिंग of any other ergonomic character such as high yield को हमने ले लिया उसके से character कराया और various sequential steps को हमने यहाँ पे फॉलो किया। पहले क्या हमें स्क्रीनिंग किया जर्मप्लाज्म का फॉर द रेसिस्टेंट सोर्स के रूप में हमने किया कि हमने है ना हाइब्रिडेशन और सेलेक्टेड प्लांट्स को क्या कहा जो हमने जो हाई यील्ड जो डिफरेंट थे एक डिजीज रेसिस्टेंट था हाई यील्ड था उनको क्या किया हमारा हाइब्रिडेशन करा दिया हमारा है ना। सेलेक्शन एंड इवोल्यूशन हाइब्रिड जो हमारा हाइब्रिड बना जो ओसंकर ओज बना उसको क्या हमने इवोल्यूशन क्या किया उसके अंदर वो जो वैरायटी हमने जिसके लिए हमने संकरण कराया क्या वो चीज में अवेलेबल थी है या नहीं है उसका टेस्टिंग कराया और रिलीज किया हमने न्यू वैरायटी को हमने क्या कि हमने रिलीज कर दिया मार्केटिंग के लिए। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ द डिजीज रेसिस्टेंट जीन देखने को मिलती है डेट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड द वेरियस क्रॉप वैरायटी और द वाइड रेटियो के साथ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नंबर चांसेस यहाँ पे कम होती है एक वाइड वैरायटी को पिलाना और कन्वेंशनल वैरायटी को हमें पहचानने में देखें इंक्लूडिंग यहाँ पे करना है हमें आगे हमारा और हाई वैरायटी करना तो क्या होगा म्यूटेशन टेक्निक को हम यूज करते हैं हमारा। इन म्यूटेशन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर द रेसिस्टेंट समटाइम लीड टू द डिजायरेबल जीन बींग आइडेंटिफाइड हम इसको करते हैं हमारा। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू द चांसेस इन द बेस सिक्वेंसेज विद द जीन्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू कैरेक्टर और द ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है सबसे पहले जैसे म्यूटेशन की बात करते हैं हमारा तो हमारे दिमाग में यही आता था हमारे दिमाग में सबसे पहले कि म्यूटेशंस क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले बात करते थे कि म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं और ये क्या होते हैं हमारी नई जनरेशन पे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे हमारा कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमें आ सकते हैं हमारा। पर साइंटिस्ट ने क्या किया इसको चुनौती माना और इसी म्यूटेशंस को क्या किया हमारा डिजायरेबल म्यूटेशन कराने लगे प्लांट्स के अंदर हमारा जो उनके जीन के सिक्वेंसेज हैं और जो फेवरेबल म्यूटेशंस उन्होंने लिए और उससे क्या हुआ हाइब्रिडेशन टेक्निक के द्वारा अच्छे क्या किया हमारे प्लांट्स को डेवलप किया उन्होंने देखने को मिला हमारा। तो म्यूटेशन टेक्निक के द्वारा क्या ना मोनोप्लॉइडी है ना मोनोप्लॉइडी ट्राइप्लॉइडी टेट्राप्लॉइडी एक्साप्लॉइडी जैसी हमारे सिस्टम्स को डेवलप किया हमारे देखने। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशंस के द्वारा क्या हुआ हमारा आज ही म्यूटेशंस क्या है पॉसिबल है हमारा लाइक गामा रेडिएशंस के द्वारा और डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट डेट हैव द डिजायरेबल करेक्टर सबसे पहले उसको जो डिजायरेबल करेक्टर है उसको लेते हैं हमारा इन सोर्स ऑफ ब्रीडिंग के रूप में। दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। इन
मूंग बीन्स के अंदर हमने किया जो कि रेसिस्टेंट थी किसके लिए, येलो मोजिक वायरस के लिए, हमने बात की हमने ऐसे पाउडर मिडलो वर इंट्रोड्यूस इन द म्यूटेशन के हमें देखने को मिला हमारा रेसिस्टेंट टू येलो मोजिक वायरस इन भिंडी जैसे कि एबेल मोस्कस एस्कुलेंट्स हमने भिंडी का यूज किया हमारा वेराइटी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटी रिजल्टेंट इन नई वेराइटी में डेवलप हुई भिंडी की हमारा एबेल मोस्कस एस्कुलेंट्स है ना जिसको हमने क्या प्रभावनी क्रांति हमने बोला हमारा जो कि हमारा क्या हुआ येलो मोजिक वायरस के लिए क्या था रेसिस्टेंट हमें देखने को मिली हमारी। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से आया हमारा म्यूटेशन टेक्निक के द्वारा हमने इसको डेवलप किया। अनदर मेजर कोज फॉर द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड द क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट। दूसरा क्या होता है हमारा इंसेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं हमारा एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन हमें देखने को मिलता है हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हैरी लीव्स इन अ सेवरल प्लांट आर एसोसिएटेड विथ रेसिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट में हमें देखने को मिलता है। एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं रेसिस्टेंट टू द जर्सीड इन द कॉटन एंड द सीरियल लीफ बैटल्स बीटल्स इन द वीट के अंदर देखने को मिला हमारा। इन वीट के अंदर बात करते हैं हमारा तो सॉलिड स्टेम्स लीड टू द नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम स्वार्फी और द स्मूथ लीव्स एंड द नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अटैक द बॉल वॉर्म्स को हमें देखने में। तो हमने यहाँ पे देखा हमने क्या कैरेक्टर्स को देखा हमारा कौन किसको अफेक्ट करता है कौन किसको कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता हमारा है ना ये हमने फीचर्स को यहाँ पे देखा और इस वेराइटी को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो हाई एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं लो नाइट्रोजन की बात करते हैं और शुगर कंटेंट इन मेजर लीड टू द रेसिस्टेंट ऑफ मेज स्टेम बोरल से क्या होती है हमारी बचा देती है हमारी। तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखा कि कौन से प्लांट किन पैड से किस वजह से हमारा बचा हुआ है और हमने उसी वेराइटी को क्या हुआ जो जिनसे आप जिनको बीमारी होती थी उसको उसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की हमने यहाँ पे। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रेसिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट के अंदर बात करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंट हमने बात किया जैसे कि ब्रेसिका लिया है ना रेप्स मस्टर्ड को बोलते हैं हमारा पूसा गोरो हमने वेराइटी डेवलप की जो कि एफिड से कहती है हमारी रेसिस्टेंट थी हमारी। फ्लैट बीम की बात करते हैं पूसा सेम वन और पूसा सेम थ्री जो कि जेसिड्स एफिड्स और फ्रूट बोरर से रेसिस्टेंट थी हमारा। ओकरा भिंडी का यूज किया हमारा जो पूसा सरवानी और पूसा ए फोर वेराइटी डेवलप की जो कि शूट एंड फ्रूट बोरल से हमारी क्या होती है हमारी रेसिस्टेंस वेराइटी डेवलप हुई हमारा। प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड फ्रूट क्वालिटी क्यों करते हैं हमारा ऐसा अबाउट द 3 बिलियन पीपल्स की बात करते हैं सफर फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी होती है प्रोटीन्स की कमी विटामिन और डेफिशिएंसी की कमी होती है हमारा कि उसे क्या होती है वो एक हिडन हंगर है उनके अंदर बात करें वो खाना तो खा रहे हैं है ना उनको फूड तो मिल रहा है पर उस फूड के अंदर क्या नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है ना प्रोटीन की कमी है विटामिन की कमी है हमारी जो एक जनरल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है हमें देखने अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो जनरली आपका डेवलपमेंट नॉर्मल डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं हिडन हंगर कहते हैं हमारा बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट वो अपने शरीर के लिए जो आवश्यक हमारा जो न्यूट्रिएंट है उनको खाने के लिए फ्रूट्स को डब नहीं खरीद सकते हैं हमारा यूज वेजिटेबल्स को नहीं करते हैं लेग्यूम्स को नहीं करते हैं फिश और मीट को नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया इसको वैरायटी ऐसी वैरायटी डेवलप करी जिनके अंदर ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी मौजूद हो। सो डाइट लेकिंग एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा सो पर्टिकुलरली आयरन विटामिन और आयोडीन जैसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया ऐसे क्रॉप डेवलपमेंट किया हमारी है ना। जिंक जो क्या करता है इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज बढ़ाता है हमारा रिड्यूस द लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस द मेंटल एबिलिटी करता है ये सब चीज़ें हमने उनको अंदर डेवलप करने की कोशिश की हमारा ताकि उनको क्या सके अच्छे से अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन और मिनरल्स ऐसे व्यक्तियों को मिल सके जो कि महंगे फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया बायो फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने ऐसी क्रॉप को तैयार किया जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स विटामिन इन रिच टेक्नोलॉजी क्रॉप्स थी हमारी। सो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट उसके अंदर मौजूद है इट इज़ अ मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम ऐसी बायो फोर्टिफिकेशन क्रॉप का डेवलपमेंट हमने किया। आजकल आपने बाजार में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जब वीट खरीदने आते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है बायो फोर्टिफाइड वीट यानी जिसमें मिनरल जिंक विटामिन वगैरह सब कुछ पहले से क्या है मिक्स है उसे बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं हमारा। ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
इम्प्रूविंग क्या था हमने यहाँ पे, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को उसके अंदर बढ़ाया, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को बढ़ाया, उस विटामिन कंटेंट्स को हमने बढ़ाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट को हमने बढ़ाया, है ना, ये सब चीज़ें हमने डेवलप की हमने उसके अंदर। इन 2000 के बाद मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस अमाउंट ऑफ द एमिनो एसिड, हमने ऐसी मेज की क्वालिटी डेवलप की जिसके अंदर एमिनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफाइन की हमारी वैरायटी, उनकी अमाउंट क्या थी हमारी डबल देखने को मिली। ऐसी व्हीट वैरायटी को डेवलप किया जैसे कि एटलस 66 को डेवलप किया, हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर देखने को मिला, हैज बीन यूज एज ए डोनर फॉर इंप्रूविंग द कल्टीवेटिंग व्हीट के रूप में हमें इसको डेवलप किया हमारा। इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप आयरन फोर्टिफाइड राइस, है ना, ऐसे राइस को डेवलप किया जिसमें आयरन की कंटेंट हमें ज्यादा हो, है ना, ओवर 5 times हमें देखने को मिला, एज मच आयरन इज ए कॉमनली कंज्यूम वेराइटीज को हमने डेवलप किया, जहाँ पे जो एनेमिक कंट्रीज है, जहाँ पे एनीमिया होता है तो राइस को दिया जाए, उसमें क्या हुआ एनीमिया की अमाउंट उसमें बढ़ जाएगी, आयरन उसके अंदर मौजूद था, वो वीट को खाएंगे तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे डेवलप किया हमारा। हमने ऐसे ही हमने क्या हुआ एक गोल्डन राइस भी डेवलप किया, विटामिन ए इनरिच डाइट किया, क्योंकि कई जगह ऐसा था जहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, कई अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे थे हमारा, तो हमने ऐसे गोल्डन राइस को तैयार किया जिसमें विटामिन ए की अमाउंट ज़्यादा थी, हमने उनको दिया था क्योंकि क्या हुआ ब्लाइंडनेस की समस्या कम हो सके हमारा। इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, न्यू दिल्ली हैज also been released several vegetables crop को develop किया उन्होंने with rich in vitamin and minerals, बहुत ज़्यादा रिच थे हमारे, जैसे example बात करते हैं विटामिन इन रिच ए क्या किया उन्होंने, कैरेट डेवलप किया, स्पिनिच डेवलप किया और पम्पकिंस का डेवलप किया, विटामिन सी इनरिच बिटर गोट को डेवलप किया, बथुआ को डेवलप किया, मस्टर्ड और टोमेटो को डेवलप किया, आयरन और कैल्शियम इनरिच हमने स्पिनिच और बथुआ को डेवलप किया, प्रोटीन इनरिच हमने बीन ब्रोट्स को डेवलप किया, लबलब को डेवलप किया, फ्रेंच और गार्डन पीस को हमने क्या किया हमने यहाँ पे डेवलप किया, यहाँ पे देखना। तो ये सब हमारे क्या था आई हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा डिफरेंट वेजिटेबल्स को क्या किया यहाँ पे डेवलप किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, तो ये फ्यूचर प्रोटीन के रूप में फ्यूचर क्रॉप के रूप में भी हमको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से हमें क्या होती है हमारे यहाँ पे सफर की होती है, प्रोटीन की कमी है उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इस आज क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन से हम इसको क्या कर सकते हैं एक अल्टरनेट फॉर्म्स के रूप में इस प्रोटीन की कमी को हम क्या मतलब दूर कर सकते हैं हमारा। माइक्रोब और इसके लिए हम किसको यूज करते हैं माइक्रोब को, माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन एन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज ए सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन्स के रूप में हम क्या माइक्रोब्स का हम यूज करके सिंगल सेल प्रोटीन्स को बना सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुला कैन ग्रो इजिली इन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट, जो हमारे घर का जो हमारा बेकार वेस्ट मटेरियल से हमारा ये प्रोसेस या टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट या एग्रीकल्चर प्रोसेस यूनिट होती है जिनका वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट पेन माइक्रोब्स को डेवलप करके ग्रो करके हम सिंगल सेल प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं हमारा उगा सकते हैं हमारा, है ना, स्ट्रो मोलेसेस, है ना, सुगर मैन्यूर्स और इवन द सेवरेज और द प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज ए फूड रिच प्रोटीन को हम डेवलप कर सकते हैं। मिनरल्स फैट कार्बन विटामिन रिच प्रोटीन्स को हम क्या डेवलप कर सकते हैं हमारा। आइडेंटिकली सच यूटिलाइजेशन और रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉपुलेशन को भी क्या करता है हमारा कम करने का काम करता है हमारा। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड हमने किया कि हमारा कि 250 kg की अगर एक काउ है प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। इन सेम पीरियड अगर हम बात करें तो 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया हमारा, जैसे मिथाइलोफिलस मैथेनो लैक्टोफेलस हमने बैक्टीरिया को लिया हमारा, प्रोड्यूस हाई रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन और ग्रोथ कर सकता है हमारा, डेट कैन बी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ द प्रोटीन को, यानी कि जो 250 ग्राम के काउ थी जो दिन भर खाएगी उसके खाने पर 200 ग्राम प्रोटीन हमारा पर डे डेवलप हो रहा है, उसकी तुलना में 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जो कि 25 टन प्रोटीन को डेवलप कर सकता है हमारा, तो वो भी किस पे वेस्ट पे जो बेकार जा रहा था उस पे हमने डेवलप किया, तो ये एक आज प्रोटीन के सोर्स के रूप में आज हमारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन फैक्ट डेट ऐसे हम बात करते हैं मशरूम्स ईटन बाय द मैनी पीपल्स इन द लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज ए ग्रोविंग इंडस्ट्रीज मैक इज बिलीवेबल दैट इज माइक्रोब्स टू वुड बिकम द एक्सेप्टेबल एज ए फूड के रूप में हमने आज हमने स्वीकार किया। पहले फंजाई को हम यूज नहीं करते थे पर मशरूम जो होता है हमारा आज इसको हम क्या कहते हैं यूज करते हैं एज ए फूड के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं हमारा। तो सिंगल सेल प्रोटीन फ्यूचर है जो कि
जो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो भी स्पाइरुलिना के क्या होते हैं, कैप्सूल्स के रूप में हमारा लेके जाते हैं यहाँ पे, जो कि प्रोटीन के सोर्स के रूप में वहाँ पे काम आता है हमारा। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं हमारा, कि लार्ज नंबर्स ऑफ द प्लांट्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं हमारा, है ना, डिजीज फ्री प्लांट कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो सर टिश्यू कल्चर टेक्निक की बात करते हैं, वॉल प्लांट वुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, एक जो प्लांट का पार्ट होता है उसे पूरे प्लांट को डेवलप करते हैं ना, क्या कहलाता है, एक्स प्लांट करता है। तो एक्स प्लांट क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराइल कंडीशन, इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में जो डेवलप किया जाता है ना उस प्लांट के पार्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट हम कहते हैं हमारा, हम यहाँ पे एक्सप्लांट उसको कहते हैं हमारा। दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड द, और जो ये कंडीशन होती है हमारी, है ना, जो एक्सप्लांट होता है हमारा, इससे पूरे प्लांट को डेवलप करने की पावर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं हमारा। तो किसी भी सिंगल सेल से या पार्ट से हमारा पूरे प्लांट को डेवलप कर देना टोटिपोटेंसी हमारा। तो हमें क्या टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट होना चाहिए, दूसरा टोटिपोटेंसी की इसमें देखने को मिलना चाहिए हमारा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है जहाँ हमें डेवलप करना है उस एक्सप्लांट को, है ना, वो कार्बन सोर्स के रूप में होना चाहिए, जिसमें सुक्रोज हो जो क्या होता है हमारा एक उसके ना एनर्जी के रूप में काम करेगा। आल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें मिलने होने चाहिए मीडियम के अंदर, जिसमें विटामिन होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे और ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए, कौन से हमारे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे फाइटो हार्मोन PGRB उसके अंदर मिक्सअप होने चाहिए हमारा। बाई द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव एक प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक छोटे से समय में बहुत सारे प्लांट्स को क्या करते हैं हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारा, है ना। दिस मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर टेक्निक से हमारे बहुत सारे प्लांट को डेवलप कर देना क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। एक लैब के अंदर ये चीज देखने को मिलती है हमारी। ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली क्या होंगी हमारी, आइडेंटिकल होंगी, सेम होगी हमारी, क्लोन जैसी कंडीशन होगी टू बी ओरिजिनल प्लांट फॉर्म विच दे आर द ग्रोथ, क्योंकि वो एक ही सेल से डेवलप हुए हमारा, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट जो एक जैसे आकार से मतलब सेम होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे हमारा, सोमा क्लोन्स हमारे कहलाते हैं हमारे। मैनी इंपॉर्टेंट फ्रूट प्लांट्स लाइक द टोमेटो बनाना एप्पल्स आज इसी टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं हमारा डेवलप हैज बीन प्रोड्यूस ऑन द कमर्शियल स्केल यूरिंग दिस मेथड के द्वारा आज हम उसको डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज द रिकवरी ऑफ द हेल्थी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। सबसे बड़ी बात है टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं हमारा, कोई अगर डिजीज प्लांट है उस डिजीज प्लांट से भी हम उसके एक्सप्लांट को भी पार्ट को ले सकते हैं हमारा, और उससे हमारा उस डिजीज प्लांट से हम क्या कर सकते हैं हमारा एक हेल्थी प्लांट डेवलप कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है हमारा। अनदर दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, अगर कोई प्लांट है जो वायरस से इन्फेक्टेड है तो हम उसका कहेंगे मेरिस्टेम को लेते हैं हमारा, जो कि एपिकल या एक्सिलरी हो सकता है, क्योंकि जो मेरिस्टेम्स होता है हमारा जो तक ऊतक होता है हमारा ये फ्री ऑफ द वायरस होता है, याद रखना। हैंस वी कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन द इन विट्रो इन लैब के अंदर डेवलप कर सकते हैं हमारा एंड वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैज सक्सेस इन द कल्चरिंग द मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना सुगर कैन और पोटेटो को आज हमने क्या हुआ डेवलप किया हमारा। साइंटिस्ट हैज बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट्स हमने डेवलप किया आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स, हमने किया कि हमने उसकी क्या होती है सेल वॉल को क्या डाइजेस्ट करते हैं हमारा। हैव बीन एबल टू आइसोलेटेड बाय द नेकेड प्रोटोप्लाज्म, हमने उसका क्या हुआ उसके सेल वॉल को हटाया उसके प्रोटोप्लास्ट को लिया, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को क्या होते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने हमारा आइसोलेटेड किया हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट को हमने लिया ईच हैविंग द डिजायरेबल करेक्टर, जिसके अंदर था वो करेक्टर्स हमने लिए कैन बी फ्यूज हमने उनको डेवलप किया हमारा और ग्रेट एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया फॉर्म किया विच कैन बी फर्दर ग्रो इन एज ए न्यू प्लांट के रूप में उसको डेवलप कराया। दिस हाइब्रिड कैन बी क्या कहलाते हैं सोमेटिक हाइब्रिड्स कहलाते हैं।
है ना, वाइल दिस प्रोसेस इज कोल्ड, क्या कहलाते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडेशन टेक्निक, इसको हम कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर हमने एक सिंगल प्रोटोप्लास्ट बनाया, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया, हम कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडेशन टेक्निक कहते हैं। ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद डेट ऑफ पोटेटो, हमने क्या किया, टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को क्या किया, पोटेटो के प्रोटोप्लास्ट से मिला दिया। दे आर देन ग्रो, डेवलप किया टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड प्लांट को बनाया, कंबाइनिंग द टोमेटो और पोटेटो के जिसमें क्या थे करेक्टर्स थे, इसमें स्वाद देखने को मिलते थे। वेल दिस हैज बीन अचीव रिजल्टिंग एक न्यू वैरायटी डेवलप हुई जिसने बोला पोमेटो। पोमेटो क्या था हमारा, जिसके अंदर क्या थे हमारे टोमेटो और हमारा टोमेटो और पोटेटो के करेक्टर्स हमने देखने को मिली हमारी यहाँ पे डेवलप हुई, हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे ब्रोमेटो बना, इसमें बैंगन को और टोमेटो को मिला के ब्रोमेटो टेक्निक बनाया हमारा। तो ये डिफरेंट हाइब्रिडेशन टेक्निक के द्वारा हम इस तरह से वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे हम देखने को मिले। तो ये तो हमारा चैप्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने, जो हमने एक चीज़ को हमने समझने की कोशिश की गई है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।